मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का नमस्कार। जैसा कि पता है आपको, हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे, उसकी एक वीडियो डाल रखी है। और हम कोई एक्स्ट्रा बात ना करते हुए हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इधर तो क्वेश्चन आएंगे और इधर मैं सॉल्यूशन कराऊंगा आपको। इधर क्वेश्चन आ रहे होंगे और इधर सॉल्यूशन है, तो इधर देखते हैं। देखो, मैंने बताया था कि वर्क बराबर होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी। वर्क बराबर क्या होता है? टाइम इंटू एफिशिएंसी। अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम निकालने के लिए वर्क में किससे भाग दोगे? एफिशिएंसी से ई नीचे आ जाएगी, क्षमता से भाग दोगे। और अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी है, तो वर्क में किससे भाग दोगे? टाइम से। मैंने इतनी सी बात बताई थी। एक और बात बताई थी कि अगर वर्क कॉन्स्टेंट रहता है, समान रहता है, और दो व्यक्ति काम कर रहे हैं ए और बी, और उनके टाइम का अनुपात 2:3 है, या टाइम का अनुपात, समय का अनुपात 2:3 है, तो जो क्षमता का अनुपात रहेगा वो रहेगा 3:2। ये तभी रहेगा सर जब वर्क क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट, यानी समान रहेगा। मैंने इतनी सी बातें बताई और कुछ क्वेश्चन कराए थे। तो आज आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा देखो, उधर आपका क्वेश्चन आ रहा होगा, आप क्वेश्चन बड़े एक बार करने की कोशिश करें और मैं इधर सॉल्व करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये आपका मैं पढ़ देता हूँ एक बार। क्वेश्चन ये है, किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं तथा सी अकेला उसे 50 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर पाएगा? तो क्वेश्चन ये कह रहा है सर कि ए उस कार्य को उतने समय में कर सकता है। पहली लाइन इसकी ये है कि ए उस कार्य को उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर कर सकते हैं, यानी जितना समय बी और सी लेते हैं उतने समय कौन लेता है? ए, यानी टाइम क्या लेते हैं? बराबर बराबर। अगर टाइम बराबर बराबर है तो रेशियो भी क्या रहा होगा सर? बराबर बराबर। अगर टाइम का रेशियो 1:1 है तो क्षमता का रेशियो क्या रहा होगा? 1:1 ही रहेगा। बात सही है, यानी क्षमता भी बराबर रही होगी तभी ये बराबर बराबर समय ले सकते हैं। अब अगली लाइन में क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि ए और बी इस कार्य को यानी ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं सर? 10 दिन में कर सकते हैं, तथा सी अकेला उसे 50 दिन में कर सकता है। मैं एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा था कि ए उतना ही समय लेता है जितना बी और सी लेते हैं। अगर टाइम बराबर है तो क्षमता भी बराबर रही होगी, 1:1 रही होगी, इतनी बात सही है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए प्लस भी 10 दिन में कर सकते हैं, तो सी ए प्लस भी दोनों 10 में कर रहे हैं, सी 50 दिन में कर सकता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? देखो, करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो यार, कोई वर्क रहा होगा, 1:50 का एल्शियम ले लेते हैं हम। तो 1:50 का एल्शियम लोगे, लासापा लोगे, तो वो लासापा आ रहा होगा कितना? 50। मान लो 50 यूनिट वर्क है और दोनों मिलकर कितने में कर रहे हैं? 10 दिन में। अगर ये 10 दिन में कर रहे हैं तो 10 से भाग दे रहे होंगे, जब 50 हुआ आप तो 10 से भाग दोगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार। यानी 5 5 यूनिट डेली करते जाएंगे, यानी पहले दिन 5 यूनिट किया, दूसरे दिन 5 किया, 10 हो जाएगा, तीसरे दिन 5 करेंगे, 15 हो जाएगा। ऐसे 5 5 करके 10 दिन में कितना यूनिट कर लिया होगा? 50 यूनिट। 50 की क्षमता से कार्य कर रहे, 5 की क्षमता से कार्य कर रहे होंगे। ऐसी अगर सी 50 दिन में कर सकता है तो 50 से भाग दो कितना? 1। अब सर आपसे पूछ रहा है कि बी अकेला कितने समय में पूरा करेगा, यानी बी का टाइम बताना है। तो बी का समय बताना है, तो मैंने बताया था समय बताने के लिए होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। क्या होता है? समय बताने के लिए वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो आपको पता है कि बी का टाइम बताना है, तो बी का टाइम बताना है तो नीचे भी क्या आएगी? बी की क्षमता। आप बोलो बी की क्षमता निकालनी है, ऊपर क्या निकालना है? वर्क। आपको यह भी पता है कि ए प्लस बी कितने में कर रहे हैं? ए प्लस बी दोनों मिलकर 10 में कर रहे थे। देखो, वर्क का फॉर्मूला होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी, ऐसे वर्क निकालते हैं। तो बोलो दोनों मिलकर कितने में कर रहे थे? 10 में। अगर दोनों मिल, या आप ऐसे समझो कि वर्क 50 है, कितना है? वर्क 50 है। चलो वर्क 50 है। अब आपसे कह रहे हैं कि बी से काम करवाना है तो बी की क्षमता आएगी यहाँ। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 1। और यहाँ पर क्षमता ए की कितनी है? 1। अगर मैं ए प्लस बी और सी की सभी की क्षमता देखूं, अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता देखूं यहाँ से, तो ए प्लस बी की 5 है, सी की 1 है, तो टोटल क्षमता कितनी है? 6। अगर ये 6 क्षमता है तो आप बोलो ए की क्षमता और बी प्लस सी की क्षमता कितनी है?
यहां पर एक किसकी, एक किसकी, दो 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 नहीं, टोटल कितनी है छः, तो दो नहीं छः कितनी है तीन गुना, अगर ये तीन गुना है तो इसकी वैल्यू भी तीन रही होगी और ए की वैल्यू भी कितनी रही होगी तीन, यानी ए की एफिशिएंसी भी तीन रही होगी, ए भी बराबर बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर ऐसे नहीं कि यहाँ पर एक यहाँ पर दो बैठती है कुल मिलाकर, यहाँ पर छः बैठती है, तो ये बराबर करनी पड़ेगी, हमने छः कर ली। अब ए की एफिशियंसी कितनी है तीन, ए की तो तीन है और आपको निकालनी है किसकी, बी की। अच्छा आप बताओ सी की कितनी है, सी की एक है, आप बताओ बी प्लस सी की दोनों की कितनी थी तीन, अगर B प्लस सी दोनों की तीन थी उसमें C की कितनी थी एक, अगर C की इसकी एक है और दोनों की तीन है तो B की कितनी बची होगी सर, दो बची होगी, यानी B की एफिशिएंसी आ गई दो। अगर B की एफिशिएंसी दो है तो दो से इसमें भाग दे रहोगे तो आंसर आ रहा होगा 25 दिन, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है 25 दिन। आप एक बार नोट करें, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। देखो यार अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और एक बार आप वीडियो को पॉज करें, उसे करने की कोशिश करें। क्वेश्चन ये मैं पढ़ देता हूँ एक बार। तीन आदमी एबीसी, तीन आदमी एबीसी किसी काम को एक साथ ए से छः घंटे कम, ए से छः घंटे कम, बी से एक घंटा कम तथा सी से आधे समय में समाप्त करते हैं। यानी तीन आदमी एबीसी जो तीनों मिलकर ए से तो छः घंटे कम लेते, बी से एक घंटा कम लेते हैं और सी से आधा आधा समय लेते हैं, यानी आधा घंटा आधा समय जो भी बोल रखा है उसने वो समय लेते हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। एक बार मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि तीन आदमी है, यानी एक आदमी ए था, एक आदमी बी था, एक आदमी ए था, एक आदमी बी था, एक आदमी सी था। ये तीन आदमी है, ए बी सी अलग अलग भी बात बोल रखी है उसने उसकी, तो ये जो तीन आदमी ना ए से छः घंटे कम, अगर ये छः घंटे कम लेते तो ये छः घंटा ज़्यादा लेता होगा। अब क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि यही तीन आदमी बी से एक घंटा कम, तो बी एक घंटा ज़्यादा लेता होगा और सी से आधा समय लेते हैं, सी से आधा समय लेते हैं। तो आप इस सी से पहले रिलेट करो, अगर सी से आधा समय लेते, अगर ये x घंटा लेते हैं मान के चलो, अगर ये x घंटा लेते हैं तो ये कितना लेता होगा 2x, ये वाली बात सही है 2x। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि a प्लस ई प्लस सी ए से छः घंटे कम लेते हैं, अगर a से ये वाले व्यक्ति छः घंटे कम लेते हैं तो ये छः घंटा ज़्यादा लेता होगा इनसे, तो आप लिख सकते हो इस वाली लाइन को x प्लस के छः। अब ये वाली बात में बोल रहा है कि ये एक घंटा कम लेते हैं बी से, बी से एक घंटा कम लेते हैं तो ये एक घंटा ज़्यादा लेता होगा। आप यहां से समझना थोड़ा, क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, अगर मैं सी और सी अगर इनके में टाइम की बात करूं, टाइम की बात करूं तो अगर मैं समय की बात करूं तो ये कितना समय ले रहा है एक्स घंटा, तीनों मिलकर कितना ले रहे हैं एक्स, और ये कितना ले रहा है सी, कितना ले रहा है टू एक्स, कितना ले रहा है टू एक्स, ये टाइम ले रहा है। अगर मैं इनके अनुपात की बात करूं तो एक्स से कैंसिल कितनी बार, एक अनुपात दो बनेगा, कितनी बार एक अनुपात, अगर टाइम का अनुपात एक अनुपात दो है सर, अगर टाइम का अनुपात एक अनुपात दो है तो जो एफिशिएंसी का अनुपात रहेगा दो अनुपात एक रहेगा, कितना रहेगा सर दो अनुपात एक रहेगा। आप यहां से एक बात समझनी है, बोलो सी की क्षमता कितनी है एक और तीनों की मिलाकर कितनी है दो, अगर तीनों की मिलाकर दो है तो अगर मैं इस वाले सी की बात करता तो इस सी यहां पर सी की क्षमता एक है तो यहां पर सी की भी क्षमता कितनी रही होगी एक रही होगी सर, कितनी रही होगी एक। अगर एक सी की क्षमता एक और तीनों की मिलाकर कितनी थी दो, तो अब ए प्लस बी की कितनी बची इसमें, ए प्लस बी की क्षमता बची दो, कितनी बची ए प्लस बी की क्षमता बची दो, ए प्लस बी की क्षमता दो है। अब ए प्लस बी नहीं, ए प्लस टोटल मिलाकर दो थी, इसकी एक है तो सॉरी इसकी एक कितनी बची एक, कोई बात नहीं। अब इसकी एक है इसकी एक है, आप यहां से समझना जितना अब क्षमता बराबर है, सी की भी एक है और ए प्लस बी की एक है, अगर जब दोनों इनकी क्षमता ही बराबर है तो टाइम भी क्या ले रहे होंगे बराबर बराबर, क्योंकि क्षमता ही बराबर है उनकी।
जब क्षमता बराबर है तो टाइम भी बराबर ले रहे होंगे, यानी जो ए प्लस बी का टाइम रहा होगा उतना ही टाइम किसका रहा होगा, सी का। तो अगर मैं ए प्लस बी के टाइम की बात करूं तो थोड़ा अलग जाऊंगा क्वेश्चन से। देखो तरीका होता है यार, ए 10 दिन में कर रहे हैं, कितने में कर रहे हैं अलग से बता रहा हूं थोड़ा, और बी 15 में कर रहे हैं। आप बोलो ये दोनों मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे, ए और बी का टाइम बताना है। तो आप बोलो इसका एलसीएम ले लो, 10 + 3 = 15 = 30, 30 को कितने से भाग दे दो 5 से, कितना आंसर आ जाता 6। आप एक तो तरीका ये सीधा, या आप ये भी बोल सकते हो कि ए 10 में कर रहा है बी 15 में कर रहा है, 10 और 15 का आपस में गुणा करो, यानी दोनों का तो आपस में गुणा करते हैं और दोनों को जोड़ से भाग देते हैं। 10 और 15 कितना 25, 25 पांती 15 पचम 25, 5 से 2 बार 2 तिया 6, तब भी आंसर कितना आता सर 6। तो बात एक ही है कैसे भी करो। तो आपको अगर मैं ए प्लस बी के टाइम की बात करूं तो ए प्लस बी का, तो ए का टाइम ये है बी का टाइम ये, तो दोनों का तो आपस में गुणा करना है। तो आप बोल सकते हो एक्स प्लस के 6 और एक्स प्लस के 1, अब दोनों को जोड़ना है नीचे। तो आप जोड़ोगे, जब मैं सीधा लिख रहा हूं क्योंकि जगह कम है, एक्स प्लस के 6 प्लस के एक्स प्लस के 1, जब आपस में गुणा कर रहे होगे तो ये सॉल्व करके आ रहा होगा सर, तो एक्स स्क्वायर एक्स का गुणा एक्स में किया एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा एक में किया एक्स, 6 का गुणा एक्स में किया 6x हो जाएगा प्लस के 6। जब इसे सॉल्व कर रहे होगे सर तो ये आएगा एक्स एक्स कितना 2x, और ये हो जाएगा तुम्हारा 6 और 1 = 7, कितना हो जाएगा 6 और 1 x + 1, एक्स और एक्स कितना 2x और 6 और 1 = 7। तो ये किसका टाइम निकाल लें हम, ए प्लस बी का, किसका टाइम निकाल लें हम, ए प्लस बी का टाइम निकाल लें। जब ए प्लस बी का टाइम निकाल लें तो ए प्लस बी का टाइम होगा वही तो सी का टाइम होगा, तो सी का टाइम कितने 2x बराबर 2x के होना चाहिए सर, तो 2x के रख दिया हमने, बराबर 2x के रखते आ रहे हैं। तो आप जब सॉल्व कर रहे होगे तो ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने दो सर, 6x और x कितना होगा 7x प्लस के। अब ये सॉल्व करोगे तो आप इसे सॉल्व कर लो, 2 का गुणा 2 में कर दो, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर 2 × 7, यानी अब आगे वो सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर, देखो ये 4x स्क्वायर है, x स्क्वायर को उधर लेके जाओगे तो आपको एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाओगे तो 7x ये एक्स स्क्वायर, ये 6x है, 4x स्क्वायर है, तो 4x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया तो कितना बचा 3x स्क्वायर, कितना बचा 3x स्क्वायर। देखो ये 7x है, ये 14x है, जब ये 14x है तो ये 7x उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 14 से 7 के कितना बचा, ये 7x ही बचा किसका प्लस का, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू बढ़ी है। अब प्लस 6 को उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6 और इक्वल 0। अब देखो यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण बन गया, ये सॉल्व ही करना पड़ेगा। जब सॉल्व कर रहे होगे तो 3 और 6 का सॉल्व कैसे करते हैं, 3 और 6 कितना 18, कितना 18, तो 18 हो जाएगा। तो हम 18 के ऐसे फैक्टर करते हैं कि देखो यार घटाने पर कितना आ जाए, ये माइनस का चिन्ह लग रहा है तो घटाने पर तो 7 आए, और गुणा करने पर कितना है, यानी गुणा ऐसा किया जाए कि 18 आ जाए गुणा करने पर, और ये माइनस चिन्ह लग रहा है तो घटाने पर कितना है 7, तो आप जानते हो कि 9 × 2, तो आप इस चीज को लिख सकते हो 3x² + 9x - 2x - 6 = 0। तो जब सॉल्व कर रहे होगे तो 3x कॉमन आ जाएगा, x प्लस के 3, यहाँ पर माइनस के 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस के 3 बराबर 0। जब सॉल्व करोगे तो एक ब्रैकेट में ये वाला, एक ब्रैकेट में ये वाला, बाहर वाला, x प्लस के 3 और 3x - 2 = 0। एक बार इसके बराबर 0 रखोगे तो x बराबर माइनस के 3 आएगा, जो हो नहीं सकता। जब इसके बराबर रखोगे तो 3x - 2 = 0 रखोगे तो 3, तो ये आ जाएगा x बराबर 2/3, क्योंकि 2 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और 3 नीचे पहुंच जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में। तो x की वैल्यू आ गई सर 2/3। अब x की वैल्यू 2/3 आ गई तो आपसे क्वेश्चन में आंसर किसका पूछ रहा था कि b अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, यानी b का समय बताना है सर। अगर b का समय बताना है तो आपको पता है कि b का टाइम कितना दे रखा है, x प्लस 1, यानी b कितने समय में कर सकता था, x प्लस 1 में। तो x की वैल्यू हमने अभी निकाली है, तो x की वैल्यू कितनी निकाली है सर हमने 2/3। अगर x की वैल्यू 2/3 निकाली है तो यहां पर 2/3 रख सकते हो, 2/3 + 1, तो ये सॉल्व करोगे 3 × 3 = 2, 5/3, या 5/3 बोलो या जो भी बोलो आपका आंसर है, ठीक, ये वाला आंसर आपका। आप एक बार क्वेश्चन करने की कोशिश करना, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं, ठीक।
अगर आपसे एक का समय पूछ रहा होता तो यहाँ रखते 2/3, 2/3 प्लस के 6, यानी 6 से ही 2/3 आंसर आ जाता। अब ये 1 से 2/3, ठीक है कि नहीं? देखो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं, और अगला क्वेश्चन है आपका, आपको स्क्रीन पर देख रहा होगा, मैं पढ़ देता हूं एक बार। एक आदमी, 3 महिला और 4 बच्चे किसी काम को 96 घंटे में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी, 3 महिला और 4 बच्चे किसी काम को 96 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि दो आदमी 8 बच्चे इसी काम को 80 घंटे में पूरा कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं, दो आदमी और 3 औरत उसे उसी काम को 120 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो 5 आदमी 16 बच्चे कितने समय में पूरा करेंगे? इधर देखो सभी। अब क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक आदमी 3 महिला और बच्चे कितने हैं सर? बच्चे 4, 4 बच्चे, 4 साल, तो कितने में कर रहे हैं भाई? 96 घंटे में पूरा कर सकते हैं, 96 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अगली लाइन में कह रहा है कि दो आदमी और आठ बच्चे उसी कार्य को 80 घंटे में पूरा कर सकते हैं। कितने घंटे में पूरा कर सकते हैं? 80 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अगली लाइन में कह रहा है कि दो आदमी और तीन औरतें यानी 3 फीमेल उसी काम को 120 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 आदमी 16 बच्चे इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, यानी 5 आदमी 16 बच्चों से करवाना है, तो वही काम करना है आपको, कोई काम मान लेना यहाँ पर। तो जब काम मानोगे तो 96, 80, 120 का आप लासापा ले रहे होगे, तो जो लासापा आ रहा होगा एक बार लासापा लेके देखना, इसका लासापा आएगा 480। कितना आएगा? 480। अगर लासापा 480 जब 96 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार, यानी 5 की क्षमता से कर रहे होंगे, यानी 80 से भाग दोगे इसमें तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। 120 12 से भाग दो कितना? 4, यानी इनकी क्षमता ए वाली, इनकी क्षमता ए वाली, और इनकी सभी की क्षमता ए वाली। अब आपको क्वेश्चन में पूछ रहे कि पांच आदमी 16 बच्चे कितने समय में पूरा करेंगे, एक निकालना है आपको। तो आपको आदमी की और बच्चे की क्षमता पता होनी चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं किसी का टाइम। तो आपको क्षमता निकालनी है, तो आप क्षमता निकालने की कोशिश करो कैसे भी करके। आपको पता है कि दो आदमी आठ बच्चे 80 दिन में कर रहे हैं, तो 6 की क्षमता से कर रहे थे, यहाँ पर 6 क्षमता आई थी। अगर आप यहाँ से 2 आदमी 8 बच्चे की क्षमता 6, अगर यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो यहाँ मेल बचेगा, और यहाँ पर 4 बच्चे बचेंगे, यानी 1 आदमी 4 बच्चे बचेंगे। अब मैं कर देता हूँ 2 कॉमन लेके इससे, तो मेल और 1 मेल, 2 से कितनी बार? 4 बच्चे, और 2 से 1, तो 2 से कितनी बार जा रहा होगा? 3 बार। कितनी बार जाएगा? तो 1 आदमी 4 बच्चे बराबर कितना आ जाएगा? 3, यानी 1 आदमी 4 बच्चे की क्षमता कितनी आ गई? 3। अगर 1 आदमी 4 बच्चे की क्षमता 3 है, तो आपको ये भली बात पता है कि 1 आदमी 4 बच्चे तो यहाँ भी हैं, तो 1 आदमी 4 बच्चे यहाँ हैं, तो यहाँ पर यहाँ क्षमता कितनी रही होगी? इनकी भी 3 रही होगी। अगर इनकी क्षमता 3 है, तो बोलो 1 आदमी 3 महिला 4 बच्चे की क्षमता टोटल कितनी थी? 5। अगर टोटल क्षमता 5 है और 3 तो इन्हीं की थी, तो 3 महिला और बची, तो इनकी क्षमता कितनी बची? 5 से 3 गया कितना? इनकी क्षमता बची 2। तो जब यहाँ से सॉल्व करोगे इस वाली लाइन को, तो 3 महिला की क्षमता आ जाएगी कितनी? 2। जब 3 महिला की क्षमता 2 है, तो 1 महिला की क्षमता आएगी 2/3। कितनी आ जाएगी सर? 1 महिला की क्षमता आ जाएगी 2/3। इतनी सी बात आ गई। अब मैं इस वाली लाइन का यूज कर रहा हूं, आपको पता है कि 1 महिला की क्षमता कितनी है? 2/3। आप 3 महिला की क्षमता कितनी है? 2। तो आप 3 महिला की सीधी लिख दो, यहां पर सीधी ये बात लिख दो कि 3 महिला की क्षमता 2 है, यहां पर 3 महिला की क्षमता 2 है, तो इस 3 महिला की क्षमता कितनी है? 2। और टोटल कितनी थी? 4। अगर ये 4 थी, तो 4 से 2 गया, तो 2 महिला की कितनी आ जाएगी भाई? 4 से 2 गया, तो 2 मेल की क्षमता कितनी आ जाएगी? ये 2 ही आएगी। जब 2 मेल की क्षमता 2 है, तो 1 मेल की क्षमता, जब 2 मेल की क्षमता 2 है, तो 4 मेल की भी 4 होगी, 8 मेल की भी 8 होगी, जितने मेल होंगे उतनी तो क्षमता है, तो जितने मेल उतनी क्षमता है इसकी। तो आप समझ रहे हो इस बात को।
अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि पांच आदमी 16 बच्चे कितने समय में पूरा करेंगे, तो आपको समय बताना है। अगर समय बताना है तो ऊपर तो वर्क आएगा, वर्क कितना करवाना है 480, किससे करवाना है, पांच आदमी 16 बच्चे थे, पांच आदमी की क्षमता कितनी आएगी बोलो, एक आदमी की क्षमता, देखो दो आदमी की क्षमता दो थी, तो दो आदमी की क्षमता दो थी, दो आदमी की क्षमता दो थी, तो यहाँ पर पांच आदमी की क्षमता भी क्या रही होगी, पांच रही होगी, प्लस का चिन्ह प्लस लगाओ, 16 बच्चों से करवाने। आप मुझे बताओ बच्चों की क्षमता निकालनी है, जब बच्चों की क्षमता निकालनी है, जब दो आदमी की क्षमता दो थी तो एक आदमी की क्षमता भी कितनी रही होगी, बच्चे की क्षमता तो निकालो पहले, तो एक आदमी की क्षमता कितनी रही होगी, एक ही रही होगी, और टोटल क्षमता कितनी है तीन, तो चार बच्चों की क्षमता कितनी रही होगी, भाई टोटल तीन है, एक आदमी की एक है उसमें, तो चार बच्चे, तो बच्चे चार बच्चे की क्षमता कितनी रही होगी, तीन से एक गया कितना दो, तो इनकी दो है, तो जब चार बच्चे की क्षमता दो है, यानी जितने बच्चे क्षमता उसकी आधी है, जितने बच्चे उसकी क्षमता आधी है, ऐसी 16 बच्चे हैं तो 16 की आधी कितनी हो जाएगी 8, तो 8 क्षमता है, तो आपको ये 480 काम करवाना है, 480 बटे 58 कितना हो जाएगा 13, यानी ये आपका आंसर है, ठीक है कि नहीं। आप करने की कोशिश करना एक बार इस वाले क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप पढ़ें एक बार और करने की कोशिश करें। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक किसी काम को शुरू करता है, एक किसी काम को शुरू करता है तथा दो दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, दो दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, और शेष काम को बी 9 दिन में पूरा करता है, शेष काम को बी नौ दिन में पूरा करता है। यदि ए तीन दिन बाद काम छोड़कर जाता तो शेष काम को बी 6 दिन में पूरा करता, तो ए तथा बी अलग अलग काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ए तथा बी का यानी ए अकेला कितने समय में कर सकता है और बी अकेला कितने समय में कर सकता है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो देखो एक बार क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी यानी एक काम की शुरुआत करता है, कौन करता है शुरुआत, ए, और एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति बी है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए काम की शुरुआत करता है और दो दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, कितने दिन काम किया, दो दिन बाद। अगर दो दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, कोई काम होगा उसे दो दिन करके चला जाता है, अब बी आता है, दो दिन बाद तो चला गया, अब शेष काम को बी करता है कितने दिन में, नौ दिन में, कितने दिन में सर, नौ दिन में, इतनी सी बात कह रहा है। अब अगली लाइन में क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए तीन दिन बाद जाता है, ये टाइम दे रखा है, अब भी टाइम है, ये पहला टाइम है T1 मान लो, ये T2 मान लो, अगर ए तीन दिन बाद जाता तो शेष काम को बी कितने समय में करता, छह दिन में करता, कितने समय में करता, ये वाला क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ। एक काम की शुरुआत करता था, दो दिन बाद छोड़ के चला जाता था, तो शेष काम को बी नौ दिन में करता था, अगर ए तीन दिन काम करता तो शेष काम को बी कितने समय में करता, छह दिन में, ए और बी का अलग अलग टाइम पूछ रहा है, इधर ध्यान दो सभी। अच्छा आप मुझे बताओ कि जैसे ही ए एक दिन एक्स्ट्रा लगाता है, यानी ए एक दिन ज्यादा काम करता है, ए एक दिन ज्यादा काम करता है, उसी वजह से बी कितना टाइम बचा लेता है, उसी वजह से बी कितना बचा लेता है, इसने प्लस एक किया तो कितना बचा लिया, माइनस तीन, बात समझ में आई होगी, यानी जितना काम ए एक दिन में कर सकता था उस काम को बी तीन दिन में खत्म कर लेता होगा, यही बात तो इसी दिशी, तो भाई अगर ये टाइम का अनुपात एक का अनुपात तीन है, भाई वर्क सेम होगा, जिस काम को ए एक दिन में लगा सकता उसी काम को बी कितने दिन में करता होगा, तीन दिन में, तभी तो तीन दिन बच पा रहे हैं, तो टाइम का अनुपात एक का अनुपात तीन है, तो जो एफिशिएंसी का अनुपात रहा होगा 3:1, बोलो सही है। अब एक का टाइम पूछ रहे हैं, तो एक का टाइम पूछ रहे हैं, तो आप बोलोगे ऊपर तो वर्क आएगा, तो वर्क कैसे निकालोगे यार, वर्क का फॉर्मूला वही होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी, तो देखो यार वर्क निकालना है तो टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है, देखो इसने दो दिन काम किया, ये ने कितने दिन काम किया, दो दिन, अच्छा दो दिन काम किया तीन की क्षमता से काम किया, ये ने तो दो दिया, भाई दो दिन काम किया और तीन की क्षमता से काम कर रहा है, तो तीन तीन यूनिट करेगा तो तीन दुनी छः, भाई ए ने कितने दिन काम किया था पहले, तीन दिन, तो तीन दुनी छः यूनिट तो इसने किया होगा, अब बी ने नौ दिन काम किया शेष काम, तो वो लोग कितनी क्षमता से किया होगा,
एक की क्षमता से, तो जब एक की क्षमता से काम करेगा यानी एक एक यूनिट डेली करेगा तो इतने कितना काम किया होगा, 9, यानी 9 काम इसने किया, 6 काम इसने किया, टोटल काम था कितना, 9, 6, 15, तो टोटल काम 15 करवाने, किससे करवाने, ए से। अगर ए से करवाना है तो ए की क्षमता कितनी थी, 3, तो 3 से भाग दे दो, ए का टाइम आ जाएगा 5 दिन यानी 5 डेज। अगर आपसे बी से करवाने तो वर्क तो यही रहेगा 15, अगर वर्क 15 है और बी से करवाने तो बी की क्षमता कितनी है, 1, तो आंसर आ जाएगा आपका 15। तो आंसर है आपके 5 और 15। बात समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप एक बार करने की कोशिश करना। देखो एक और क्वेश्चन दे रखा है इसी तरह का, अगला क्वेश्चन है वो भी स्क्रीन पर है आपकी पर, और मैं पढ़ देता हूं एक बार एक किसी काम को, देखो साथ साथ ही पढ़ रहा हूं और साथ साथ ही लिखता जा रहा हूं। एक किसी काम को शुरुआत करता है और कितने दिन काम करता है, 4 दिन। ए ने कितने दिन काम किया, 4 दिन। अगर ए ने 4 दिन काम किया, छोड़ देता है, 4 दिन बाद छोड़ देता है, तो बी बचे हुए काम को अगले 18 दिन में कर देता है। बी बचे हुए काम को कितने दिन में कर देता है, 18 दिन में। तो ये तो टाइम की बात हो रही थी, पहला टाइम था। अगर दूसरे टाइम की बात करें यानी कि, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि ए 6 दिन बाद काम छोड़ता है, यानी पहले तो 4 दिन बाद छोड़ रहा था ये, अगर ए 6 दिन बाद काम छोड़ रहा होता तो ये 6, तो शेष काम को बी, बचे हुए काम को बी कितने समय में पूरा कर रहा था, शेष काम को क्वेश्चन कह रहा है कि शेष काम को 12 दिनों में समाप्त करता है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कोई गलती तो नहीं। तो क्वेश्चन ही कह रहा है कि एक किसी काम को शुरू करने 4 दिन बाद छोड़ देता है, बी बचे हुए काम को 18 दिन में करता है, सही है वाली लाइन। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए 6 दिन बाद काम छोड़ देता तो बी बचे हुए काम को 12 दिन में करता है, ए और बी का अकेले टाइम, सही, ठीक। इधर देखो आप, ए ने कितना टाइम एक्स्ट्रा लिया बताओ, बोलो 4, 2 दिन एक्स्ट्रा लिया, तो बी ने कितना बचा लिया, 6। यानी कहने का मतलब है जिस काम को ए 2 दिन में कर सकता है उसी काम को बी कितने में कर सकता है, 6। अगर मैं टाइम के अनुपात की बात करूं तो 1:3, अगर ये टाइम है तो क्षमता का अनुपात रहेगा 3:1, तो यानी ए 3-3 यूनिट डेली करता है तो 4 दिन में कितना करता होगा, 3×4 यानी 12 यूनिट करता होगा, और शेष काम में 18, एक की क्षमता से लगता होगा तो कितना करता होगा, 18। अगर ये 18 और ये 12 है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, बोलो 12 और 18 कितना होता है, 30, यानी टोटल वर्क 30 यूनिट करवाना, किससे, एक का टाइम बताना है, तो एक का टाइम बताना है, तो एक की क्षमता कितनी, 3, 3 से भाग दे दो, आंसर कितना आएगा सर, 10। अगर आपसे बी का टाइम पूछ रहे हैं तो टोटल 30 यूनिट करता है, बी से करवाना है तो बी की क्षमता कितनी है, बोलो 1, तो 1 से भाग दे दो, आंसर आ जाता 30, यानी ये वाला आंसर है। 2 क्वेश्चन कराए ऐसे, आप एक बार करके देख लो। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं हम। देखो क्वेश्चन ये कह रहे बी किसी काम को जितने समय में कर सकता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। बी किसी काम को, क्वेश्चन समझना ध्यान से, बी किसी काम को जितने समय में कर सकता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है, यानी ए और बी की बात चल रही है, बी जिस किसी काम को जितने समय में कर सकता है उसके 1/6 समय में कौन करता है, ए आधा काम करता है, यानी 1/6 समय में। तो B से रिलेट कर रहा है तो B की वैल्यू नीचे वाली मान लो, अगर B टोटल समय 6 लेता है तो उसके एक समय में 6 का 1/6 निकालोगे ना, 6 का 1/6 निकालोगे तो कितना आएगा, 1। तो एक समय में कौन करता है, A, कितना काम करता है, आधा। अगर A आधा काम करता है तो पूरा काम करने में कितना लगता होगा, 2, भाई 2 लगता होगा, सीधी सी बात है। अगर 2 लगता होगा तो टाइम का अनुपात बनेगा इनका 2×2, 2×3, 3×1, 3, तो एफिशिएंसी का अनुपात रहेगा 3:1, ये वाली बात सही है। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं, अगर दोनों को 10 दिन लगते हैं और आपसे पूछ रहा है कि बी अकेला कितने समय में पूरा करेगा, यानी बी का टाइम बताना है, बी का टाइम बताना है तो ऊपर तो वर्क आएगा, तो वर्क निकालते टाइम इंटू एफिशिएंसी, तो टाइम किसका दे रखा है, दोनों मिलकर कितने में कर रहे हैं, 10 में।
अगर दोनों मिलकर 10 में कर रहे हो, दोनों की क्षमता कितनी है, 3 और 1 4, दोनों की लोगों की क्षमता भाई क्योंकि दोनों का टाइम है, तो टाइम इंटू एफिशियंसी, यही तो वर्क है आपका, वर्क बराबर। अब बी से करवाने तो बी की क्षमता कितनी, क्योंकि टाइम निकालने ऊपर वर्क आता है नीचे आती है एफिशियंसी, तो बी की एफिशियंसी कितनी थी 1, तो 1 से भाग दोगे तो आंसर आ रहा होगा आपका 40। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार, देखो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, ए अकेला एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी उसे 3 घंटे में कर सकते हैं, ए और सी उसे 2 घंटे में कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है। क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं पढ़ देता हूँ एक बार, साथ साथ ही करा रहा हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, यानी ए अकेला कितने घंटे में कर सकता है सर, 4 घंटे। अगर ए 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी उसे 3 घंटे में कर सकते हैं, बी और सी कितने में कर सकते हैं उसी काम को, 3 घंटे में कर सकते हैं, कितने घंटे में कर सकते हैं, 3 घंटे में। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि तथा ए और सी उसी काम को 2 घंटे में कर सकते हैं, ए और सी उसी काम को 2 घंटे में कर सकते हैं, कितने में कर सकते हैं, ए और सी उसी काम को 2 घंटे में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो बी अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा, यानी बी का टाइम बताना है आपको, कुछ नहीं करना, 4 और 3 2 का एलसीएम लेना है, कितना आएगा सर 12, मान लो कितना आ जाएगा 12, 4 से भाग दो 4 3 12, 3 से भाग दो कितनी बार 4 बार, 2 से भाग दो कितनी बार, बार बस सही। अब बी का टाइम बताना है, बी का टाइम बताना है तो आपको ऊपर वर्क पता होना चाहिए, तो वर्क कितना करवाना है 12, अगर 12 वर्क करवाना है किससे करवाना है, बी से, तो आपको बी की क्षमता पता होनी चाहिए। आपको पता है कि ए की क्षमता कितनी है 3, तो यहाँ पर ए प्लस सी है, तो तीनों दोनों की क्षमता कितनी है 6, तो यहाँ पर ए की क्षमता 3 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी कितनी होगी 3, तो अगर दोनों की 6 है तो सी की कितनी बची 3, अगर सी की 3 बची तो यहाँ पर बी और सी है, बी और सी की क्षमता कितनी है 4, तो इस वाले सी की क्षमता, इस वाले सी की क्षमता यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी इस वाले सी की भी क्षमता कितनी होगी 3 ही होगी। अगर ये 3 है और दोनों की कितनी है 4, तो बी की कितनी बची सर 1, क्योंकि सी की 3 है इसमें, तो सी की बी की कितनी बची 1, तो बी से करवाने 1 से भाग दोगे आंसर आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा सर 12। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है, और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।